कहते हैं सफलता हमेशा मेहनत करने वालों पर जान लुटा देती है। जी हाँ, पलामू जिले में आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट में जिला टॉप की है समीक्षा रानी, और बता दे कि इस बात को उन्होंने साबित किया है। आइए इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी रही है और कैसा इन्हें लग रहा है, कैसा लग रहा है टॉप करने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितना परसेंट आया है और कैसे पढ़ाई करती थी। मेरे परसेंटेज 97.4 रहे हैं, और स्कूल में नोट्स बनाते थे, घर पे प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी करते थे, शेड्यूल बनाते थे, उसको फॉलो करते ट्यूशन वगैरह करती थी यानी। थे। नहीं, ट्यूशन मुझे जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, ट्यूशन कोचिंग इन ऑल जरूरी नहीं है 10th तक, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और नोट्स बहुत अच्छे से देते थे। सबसे खास चीज का क्या ध्यान रखती थी, कैसे पढ़ाई करती थी, मेन क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ाई करती थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ता है, और मेनली 6 to 7 hours पढ़ाई करते थे हर दिन एवरेज। देना चाहेंगी इस सफलता का। स्कूल में हमारी प्रिंसिपल सिस्टर विनिफ्रेड को सफलता का श्रेय देना चाहूंगी, हमारे सारे टीचर्स को श्रेय देना चाहूंगी, मेरे नजर में सब एक समान। भविष्य में आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहती हैं, मुझे इंजीनियरिंग करना है, CS। क्यों इंजीनियरिंग क्यों, और भी कई तो सेक्टर हैं। मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इसीलिए कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स वो आर माय टॉप मोस्ट सब्जेक्ट। या फिर उम्मीद से ज्यादा नंबर आए। मैंने एग्जाम दिया था तो उम्मीद तो था, इसीलिए उम्मीद के हिसाब से ही आया है, नंबर से उम्मीद के हिसाब से आया है, जैसे मैंने लिखा था उस हिसाब से आया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो क्या है, पापा क्या करते हैं, घर में क्या है। मेरे पापा का नाम बीर कुमार है, वो बिजनेस करते हैं सैनिटरी प्रोविजंस का, और फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली। उन बच्चों का को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भविष्य में एग्जाम देंगे, उन्हें क्या कुछ ध्यान देने की जरूरत है और कैसे पढ़ाई करने की जरूरत है। मैंने बहुत देखा है कि टाइम मैनेजमेंट बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें यही करना बहुत जरूरी है, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना। और क्लास में भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में जो बुक के टेक्स्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, कभी कभी नोट्स आ जाते हैं टीचर्स जो देते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। कुछ क्वेश्चंस गूगल पे सर्च करते थे, और नहीं तो यूट्यूब पे डाउट सर्च करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंडली थे, तो उसी से जाके पूछ लेते थे उनसे। तो बता दे कि पलामू जिले में 97.4% लाकर समीक्षा रानी जिला टॉप बनी है, इनके भविष्य के लिए हमारी भी शुभकामनाएं।